तो गाइज हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं। ये होटल का नाम है होटल क्या है ये होटल, हाईवे ओल्ड हाईवे किंग। तो एक तो समझ में नहीं आ रहा ओल्ड है तो फिर किंग क्यों है, और जब हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है तो राजा रानी का तो खेल खेलने नहीं चाहिए। तो होटल का नाम ही गलत है गाइज, है ना आद्या, गलत है ना नाम। तो इतना ज्ञान किसी को नहीं सुनना। आपने क्या लिया, किंडर जॉय? किंडर जॉय लिया? हाँ वाह, मून चूस चूस के लिया ना आपने किंडर जॉय, है ना। तो ये हम हरकी पौड़ी पे आ गए हैं। ये रही गंगा जी और ये रही आद्या जी, ये आद्या की मम्मी जी, ये पिताजी। और हाय हाय क्या मतलब मजा ही आ गया देख के। पूजा कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई, गंगा जी तो बढ़िया बह रही है। इतनी शानदार, बहुत बहुत शानदार, इतना तेज प्रवाह मैंने आज तक नहीं देखा गंगा जी का सीरियसली। और जैसे जैसे दिन ऊपर होता जा रहा है ना, नदी जो है ना एकदम नीली टाइप की दिख रही है। और सब यहाँ नहा रहे हैं, बाप रे शानदार। अभी थोड़ी देर बाद अपन भी नहाएंगे भाई। भाई तो गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है, हमें मिल गई है जगह। ओ इधर अलग व्लॉगिंग चल रही है। आज क्या हुआ बेटू, सुबह सुबह उठा दिया मम्मा ने? ये खड़े हैं हम पुल पे, ये कौन सा पुल है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गंगा जी एक साइड और ये दूसरी साइड, और वहाँ पे ये पीछे साइड जो है वो कोई घाट है, एक नया घाट है एक पुराना घाट है। और भाई ये पुल तो हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। देख रहे हो आप कितना सुंदर, पूरी परछाई पड़ रही है सूरज की पानी पे। पूजा को डर लग रहा है, पूजा डर लग रहा है? कोई नहीं कुछ नहीं होगा, बढ़िया जा जा जा। आद्या और आद्या के पापा जा रहे हैं गंगा में डुबकी लेने। डुबकी लेने चले, 2 3 ठीक है। वाह हाँ वो भी देख रहा ना व्यू, एक बार ले लूं बाहर, सबका ले लो सबका ले लो। आद्या तो हम लोग जा रहे हैं उड़न खटोले से। किसके खटोले से? उड़न खटोले से मनसा देवी मंदिर। ये देखो यहाँ से व्यू, आद्या हिलना नहीं, बिल्कुल शांति बैठो। तो आद्या कैसा लग रहा है? देखो तो कितना मजा आ रहा है। अरे ये पहाड़ आ रहे हैं, हाँ पहाड़ आ रहे, नदियाँ आ रही, झरने आ रहे। भाई साहब मजा आ गया, बहुत ऊंचे जा रहे हैं, अभी भी जाए जा रहे हैं यार। सही सही बताओ मेरे अंडे खिसक रहे हैं। मैं तो खैर रोप पे स्लाइड हो रहा है और क्या, पुली और क्या। आज मजा आ रहा है स्लाइडिंग ऑन अ रोप। पूरा हरिद्वार दिख रहा है, वाह पूरा हरिद्वार दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार। सिर्फ हम छछुंदर दिख रहे हैं, व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, ये देखो अपन तो 5 लोग पहुंच गए। ये भगवान ने ऊपर बुला लिया अपन को, मतलब ओए भैया। पहुंच गए ओ भैया, ओ इसकी भैंस की टांग, ओए ओए। ये है मनसा देवी का प्रवेश द्वार, और बहुत सारे लोग फूल वगैरह बेचते हैं, इतना बेच रहे हैं। तो हमने भी एक ले लिया है क्योंकि हमें जूते चप्पल रखने थे भाई। सही सही बताएं तो क्या कहती हो, क्या अपन को ये प्रसाद चुंडी वगैरह लेना चाहिए? आपकी जैसी श्रद्धा हो आपके ऊपर है, अपनी अपनी मर्जी भाई, है कि नहीं? आज आप क्या चलाओगे, फूल चलाओगे? वो बंदर अपने बेबी के साथ में है, वो एक बंदर यहाँ बेबी के साथ में है, एक बंदर यहाँ बेबी के साथ में है।
जानकी झूला, आसपास गंगा नदी बहती हुई, बीच में ये पुल जिससे झूला क्यों बोल रहे हैं हा? क्या बोलते हो उसे, झूला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच में से भाई साहब झूल रहे हैं भाई, गाड़ियां चल रही हैं, इतनी वाइब्रेशन आ रही है, एक पल को लग रहा है, और पता क्या है, ओवर थिंकिंग हो रही है बाई चांस। अच्छे अच्छे तैरने वाले भी निपट जाएंगे भाई, ये बात पक्की है। तो हम जो है परमात्मा केतन पे पहुंचे हैं, व्यू ये है, पीछे का व्यू ये है, यहाँ का व्यू ये है, और मेरी लड़की वो है, डांस करे वो भैया। The next morning, गंगा जी बह रही है और हम लोग यहाँ मैगी का वेट कर रहे हैं। पीछे हो रही है वाटर राफ्टिंग, हाँ राफ्टिंग ही तो हो रही है, सबको राफ्टिंग की जरूरत है, मुझे हेयर ग्राफ्टिंग की जरूरत है। पूजा तुम्हें किसकी जरूरत है? क्या मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। अरे चल जा 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 झूठी। गाइस पापा पागल हो गए, राइडिंग नहीं दो। अच्छा हमारी है मसालेदार मैगी और आद्या की है सिंपल मैगी। आद्या आपका मैगी का इंतजार खत्म हुआ। हाँ पहाड़ को खिला दो, पहाड़ को भोग लगा दो पहले और फिर खुद भोग लगा लो। वाह नीचे राफ्टिंग हो रही है, ऊपर मैगी की पार्टी, वाह क्या बात है। ऋषिकेश का अगर कोई हाईएस्ट पॉइंट है फिलहाल की डेट में जो मुझे पता है वो भाई साहब ये है। ओ भैया पूरा शानदार, सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े हैं हम नीलकंठेश्वर महादेव के ऊपर। अब हम जिरमले के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद बहुत ही मजा आ रही है। कुकु मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ऐसा कैसा मजा आ रहा है? आद्या बहुत थक गई है क्योंकि उसकी पुंगी बज गई है। हम लोग हैं रेंट की स्कूटी पे और स्कूटी पे घूमने का जो मजा है वो किसी को नहीं है, क्या बता भैया, बहुत मजा आ रहा है बबली। तो ये है नीलकंठ महादेव मंदिर और बहुत दूर है भाई। तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि वो यहाँ पे आए थे तप करने के लिए जब उन्होंने विश्वपान किया था। उसके बाद पूजा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, पूजा कह रही मैं अब नहीं आऊंगी। ऐसा तो नहीं है लेकिन अच्छा वैसा रास्ता था, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में बहुत ही नैरो 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 रास्ता। A few moments later, चल मेरे राही ओ मेरे राही, चल चल खटार खींचे के चलिया। तो फाइनली मिल गई है हमें झिलमिल गुफा, इतना थकाने के बाद झिलमिल तारे दिख गए मेरे को। इतनी शांति तो कहीं भी नहीं मिली। और यहाँ पे बाबा गोरखनाथ ने कम से कम 66,000 मंत्र सिद्ध किए हैं। पूजा देखो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग ध्यान करने आते हैं ताकि बिल्कुल मतलब पूछो नहीं। मैंने भी यहाँ पे बहुत देर तक ध्यान किया, जो भी आपके मन में हो, कोई भी मंत्र आता हो, कुछ भी आपको लग रहा हो, बहुत और बहुत बड़ी गुफा है यार। मतलब बहुत देखो ऊपर, कम से कम नहीं ऊपर होंगे तो 2-3 हज़ार चमगादड़ वो देखो। और ये गुफा का होल है, यहाँ पे नीचे जो है वो बाबा गोरखनाथ की मूर्ति है जहाँ पर गुरुजी गोरखनाथ जी ने 66,000 मंत्र सिद्ध किए थे। और सावन के महीने में आई थिंक यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वैसे तो हम बहुत दिनों के बहुत सालों से कहीं निकले नहीं थे, पर लग रहा है एक ही बार में अब हमने यहाँ सारे एडवेंचर भी कर लिए, ट्रैकिंग भी कर ली, काइंड ऑफ देखो ट्रैकिंग ही है भाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हाँ और क्या क्या करवा दोगे पति एक ही बार में? एक ही बार में भाई पॉटी निकल जाएगी आज। The next day. सीवा पे निकल पड़े हैं। आज हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, आई थिंक लक्ष्मण झूला तो बंद है, उसके आसपास है। बहुत सारे गोरे जा रहे हैं, देखो हम एक गोरा दिखाते हैं तुमको। तो हम लोग लक्ष्मण झूला के पास ही पड़ता है, गोवा बीच और नीम बीच, और गोरा जा रहे हैं। आई थिंक ये गोरा ही जाने, आई थिंक क्या जा ही रहे हैं, ये क्या हलवा तल ले आए हैं क्या? ओ भाई साहब ये गोरी तो बहुत सुंदर है भाई, देखो गाइस हम लोग कभी भी देसी तो है ना हम, ये देखो गाइस टैटू वाली गोरी। A few moments later. तो ये है लक्ष्मण झूला और ये है गंगा जी। और लक्ष्मण झूला पता नहीं किन कारणों से लेकिन बंद है, वहाँ लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ से देख उसको क्लियरली सकते हैं यहाँ से। बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन, और व्यू बहुत शानदार है। अभी हम ऊपर भी जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर कैसा व्यू आए। लक्ष्मण झूला काइंड ऑफ सेम ही है जिसमें पैदल, हाँ हाँ पैदल जाने का है, और जानकी झूला हम गाड़ी भी ले जा, हाँ हम जानकी झूला पे गाड़ी भी ले जा सकते हैं टू व्हीलर। ओए बबली ये देख लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद है,
लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मैं सबसे एक्चुअली सबसे ऊपर जो 3 मंजिला एक अपन ने वो ऋषिकेश में देखा ना मंदिर, तो वो वहां पे ऊपर सबसे ऊपर, यार क्या सीन लग रहा है, मस्त मजा आ रहा है मेरे को तो। आद्या के संग आ गए हम नीम बीच। आद्या कैसा लग रहा है? इधर जोर से बोलो। अच्छा लग रहा है। मैं जब पूछूं अच्छे से फिर से बताना, ठीक है? हाँ। तो हम आ गए हैं आद्या के साथ नीम बीच। आद्या कैसा लग रहा है? तो आद्या इसमें क्या करेगी, नीचे देखो क्या रेत है बढ़िया। आ हा हा, बस नहीं क्या इसमें? वाह ये देख लियो 360। ओ हो वाह 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 वाह। आद्या वहाँ पे क्या बटरफ्लाई, वाह ये देखो। और एक यहाँ मगरमच्छ भी बैठा हुआ है नीले कलर का। ओ माय गॉड ये मगरमच्छ नहीं, ये तो मेरी बीवी है। टैलेंट तैयार। ओ हो टैलेंट की चप्पल निकल गई है, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। गाइस ये लड़की तैयार है फोटो सेशन कराने के लिए, ये पोज सोच रही है, ये सोच रही है मैं ऐसे लूँ या वैसे लूँ, पर आपको बता दूं ये कैसे भी ले बेकारी लगेगी। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, गंगा किनारे बिल्कुल एथनिक अटायर में। और पता है यहाँ पे क्या है, सब लोग बोल रहे हैं गंगा, मम्मी बोल रही मेरी गंगा जी का पानी लेके आना बेटा, गंगा जी का पानी लेके आ। मैं कह रहा हूँ बाल्टियां भर भर के लेके आओ, इतना गंगा जी का पानी है कि पूछो नहीं। और यहाँ के लोगों को मुझे नहीं लगता कि जैसे पंडित वगैरह वो पूजा करते होंगे ना कि गंगा जल छिड़कते होंगे, बोले क्या छिड़कना पूरे में गंगा जल है। और आद्या देखो अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करती हुई, क्या बना रही है? घर बना रही हो? किसका घर बना रही हो? रूही का घर। रूही का घर? रूही कौन है? रूही मेरी फ्रेंड है। ये देखो ये 1 मंजिल हो गया, देखना ये घर बनते जा रहे हैं। ओह ये देखना जैसे एक के ऊपर एक टट्टी आती ना। वही मैं सोच रही क्या बना रहे हो। वाह हमने बना दिया है बुर्ज खलीफा। तो हम आ गए नीर वाटरफॉल, यहाँ पर 30 रुपीज पर पर्सन बुकिंग फीस है। नीर वाटरफॉल पहला पॉइंट ये है, अभी ये सिर्फ नॉर्मल पॉइंट है और इसके ऊपर भी अभी एक और जाएंगे हम। नीर वाटरफॉल का पहला पॉइंट ये है, 30 रुपये का टिकट है और ज़्यादा मगजमारी नहीं करते, एक काम करते पहले ऊपर चलते क्योंकि बहुत चढ़ना है भाई। वो आप मैगी खा रही हो? और ये लड़की इसने मेरा एक भी फोटो एक भी वीडियो ढंग से नहीं लिया भाई साहब। कौन सी? एक भी वीडियो, उसमें वीडियो में तारे आ रही है जब हम दोनों नहा रहे हैं। इनको वो देख, देखो ये देखो ये देखो ये पूरी फुटेज देखो, वाह। और इनकी फुटेज देखो, अंतर देख रहे हो? अरे यार तो मेरे को ठीक हो गया। अरे प्रोफेशनल दाएं गंगा बाएं गंगा जी और बीच में हम, यानी कि हम हैं कहाँ? राम राम झूला पे, क्योंकि तुम ये हो भाई नंदी महाराज तो बीच में बैठे हैं ना, कि भाई बीच में झूला हिल रहा है। हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की आरती बहुत फेमस है, हम लोग टाइम से आए हैं भाई, निकल देखो अगर आरती अटेंड करना है ना, तो अगर आप मेन रोड पर रह रहे हो तो ये समझ लो कम से कम आधा घंटा पहले निकलो क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। गंगा आरती के लिए ये पूरा स्थल है, आज इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि आज है पूजा, क्या है आज नवमी भी है। हाँ आज हम जिस दिन आए हैं उस दिन राम नवमी है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है। 30 रुपए की कुप्पी ले ली है। ओए इसका ढक्कन कहाँ है? मेरे पास है। अच्छा ढक्कन ढक्कन। मैं और आज्ञा जा रहे हैं पानी भरने, मजा आ गया, बहुत ठंडा पानी है। भैया आते तुम तो रहने, उसको छोड़ दो इसलिए तो हम मना करा। बहुत ठंडा पानी है भाई। ओ जय माँ गंगे, जल्दी जल्दी भर जाओ, अरे जल्दी भर जाओ, बहुत ठंडा पानी है सीरियसली आद्या। हाँ भाई तो गंगा नजारा आखिरी बार देख लो क्योंकि ब्लॉग तो खत्म होने वाला है। हमने शुरुआत की थी हरिद्वार की गंगा आरती से और एंड भी किया है हमने ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट की गंगा आरती से। शानदार आरती, क्या गूज़बम्प्स आए हैं भाई बता नहीं सकते। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि हमने थोड़ा रिकॉर्ड करके फिर हमने कहा बस बंद करो फोन, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे थे तो मुझे लगा कि सब लोग खड़े कर रहे हैं हाथ। ओहो हो क्या बात है, पर मैं को बात में ना जूम किया ना तो पता चला
आपके मोबाइल के हाथ पे, सॉरी मोबाइल आरती तो मोबाइल, हाँ इस साइड वालों ने किसी ने की नहीं, जाते तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे भाई। हमने क्या किया, थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड की स्नैप लिया और बंद कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है हो गया इतना क्या है, लेकिन मेन बात जो थी वो उस टाइम पे आरती जो हो रही थी गूज बम्स थे भाई, मजा आ गया। चलो बाय करते, बाय बाय, ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, बाय।